अच्छा जी, तो हम इस वक्त इस्लामाबाद सब्जी मंडी में अंडा मार्केट में है, वही चौधरी साहब के दुकान पे। चौधरी साहब के साथ हमारे यारी दोस्त यहीं पर आते हैं, और आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दूं। खुशखबरी ये है कि अंडों के रेट में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, और क्या कमी है इस हवाले से बात करते हैं चौधरी साहब से। लेकिन ये है कि देसी अंडे तो देहाती इलाकों तक महदूद हो गए, देहाती इलाकों में भी काफ़ी कम है, यानी अपने जो है ना कुछ लोगों के पास, मखसूस लोगों के पास होते हैं, वैसे हर किसी के पास नहीं होते। लेकिन अगर बात करें गोल्डन अंडों की तो ये भी किसी गनीमत से कम नहीं है, शेवर से तो काफ़ी बेहतर है। तो शेवर अंडे भी चौधरी साहब के पास ही मौजूद है मेरे ख्याल में। आज चौधरी साहब बहुत ज़्यादा माल लेके आए हो, आज तो देसी अंडों के भी जो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आप लेके आए हो। वैसे आप कम लेके आते हो, आज क्या वजह है, बिकी नहीं रहे क्या चौधरी साहब? क्या वजह है कि अंडों का रेट कम हो गया है? बस मार्केट जरा नरम हो गई, नरम हो गई, खरीदारी कम हो गई थी लोगों की। क्या वजह? खरीदारी कम हो गई, मतलब लोग महंगे रेट पे नहीं ले रहे थे। हाँ, महंगे रेट पे। आज पेटी का क्या रेट है शेवर अंडों का? 8,280 रुपए। 8,280, और पेटी में कितने दाने होते हैं? 360 दाने। 360 दाने, यानी दर्जन किस तरह हो गया? अच्छा, दर्जन का बताया चौधरी साहब? 276 रुपए। 276 रुपए दर्जन हो गया। और ये जो क्या नाम है गोल्डन अंडे हैं, इनका क्या रेट है? ये 365 रुपए। 365 रुपए। पेटी का क्या रेट है? इसका पेटी 11,000 रुपए। 11,000। 365 का जब दर्जन होता है तो ये फी अंडा किस तरह पड़ रहा है? ये तकरीबन 30 रुपए के करीब। 30 रुपए के करीब। शेवर दाना कितने का पड़ रहा है? शेवर पड़ जाएगा 2400 रुपए, 2450। लेकिन ये आपको मैं बताता जाऊं कि अंडों का रेट कम हो गए, लेकिन मार्केट में अभी भी ये होलसेल रेट कम हो गए, लेकिन अभी भी रिटेलर जो है ना रेट ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और के अंडों का रेट कम हो सके मार्केट में भी, क्योंकि इस वक्त होलसेल मार्केट में रेट कम है, और अभी जो सप्लाई हो रही है लोग वही पुराने रेटों पर बेच रहे हैं। जो नए अंडे मार्केट में ऑलरेडी अभी गए हुए हैं, क्योंकि ये परसों का माल है, और अगर आपको अंडा अभी भी जो है ना रेट ज़्यादा मिल रहा है तो आप लोग बेच कर सकते हैं दुकानदार के पास, उनका हक बनता है, जो उनकी जो मतलब ये मार्जिन है उनका मार्जिन का हक बनता है। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं है ऐसा कि आपको चूना लग जाए, और क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रेट तेज चल रहा है अभी फिलहाल, और वैसे भी बच्चे तो जब स्कूल जाते हैं बगैर अंडे के तो खाते नहीं है, वैसे भी अंडे खाने चाहिए।